जाइस का माइक्रोस्कोप है ये हमारे पास, और जिसके माध्यम से हम लोग फैको सर्जरी करते हैं यहाँ पेशेंट को। ये हमारा छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है जिसमें हम लोग कैटरैक्ट की सर्जरी करते हैं फैको विधि से, सिक्स से, SIX से, या कैरिजियम का या चेलेजियन का, ये सारे ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। और काफ़ी ही स्टराइल वे में, कोई भी कॉन्टेमिनेशन नहीं रहता है, जो फ्यूमिगेशन वगैरह है वो फ्यूमिगेटर के थ्रू करते हैं। ये लगभग यहाँ अभी तक बहुत सारे ऑपरेशन किए जा चुके हैं सक्सेसफुली। जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी में के दौरान ये फैको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें हम लोग दोनों तरह से करते हैं, नॉन फोल्डेबल, फोल्डेबल दोनों लेंस डालते हैं, जैसे नीड रहती है या जैसा पेशेंट चाहता है। ये हमारा पेशेंट डाटा कलेक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ हमारे हॉस्पिटल के सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और इस डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ डॉक्टर निगम जी हैं, विजय निगम जी। ये आपको डिटेल में बताएंगे कि हम लोग कैसे कैसे अपनी डाटाओं को कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और कैसे हम लोग पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर निगम ओम जी, जो मेरे साथ में पूरी टीम है मेरी ऑफिस में, जो हम लोग यहाँ पे हमारे जितने भी मरीज हैं ऑल ओवर इंडिया प्लस फॉरेन में जितने भी मरीज हैं, उन सारे मरीजों को यहाँ पे हम उनको एक तरीके से काउंसिल करते हैं। उनका सारा रिकॉर्ड, प्री पोस्ट सारा रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद में उनकी जो भी डॉक्टर विजिट्स होती है, वो सारी डॉक्टर विजिट्स वाया मेल या व्हाट्सएप के द्वारा हम उनको मंगवाया जाता है EMR के थ्रू। एक EMR सॉफ्टवेयर है हमारा बना हुआ, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको मंगवाया जाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे HIV के जितने पेशेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। रिसर्च रिलेवेंट जितने भी डाटा हैं, प्री पोस्ट डाटा का, वो सारा का सारा है यहाँ पे। कितना डाटा लगभग हमारे यहाँ हो गया? हमारे पास में नियर अबाउट पतंजलि आयुर्वेद के 2.5 लाख के ऊपर पेशेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास में इकट्ठा हो चुका है। और प्लस उसके अलावा जो क्योर पेशेंट, मतलब सिर्फ पतंजलि हॉस्पिटल के हैं, पतंजलि हरिद्वार हॉस्पिटल। इसके अलावा क्योर पेशेंट जितने भी पूरे इंडिया में, तो हमारे 10 से 12 लाख के आसपास मरीज हो चुके हैं। प्लस उसके साथ में हमारे जो जितनी भी बीमारियाँ हैं, उन अलग अलग बीमारियों के बेसिस से बहुत सारे मरीजों को जिनको इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योर हुए हैं, उनका भी बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा गया है। जो जितनी फाइल्स हैं, इन सारी फाइलों में हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें दर्ज करके रखा गया है। आपको नाम डॉक्टर विश्लेष कुमार राजपूत है, मैं यहाँ पतंजलि आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल में असिस्टेंट सहायक प्राध्यापक के पद पर हूँ। और मैं यहाँ पे हमारे शल्य तंत्र विभाग की जो OT है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा शल्य तंत्र विभाग का काउंटर है जहाँ पे बिलिंग वगैरह होती है। बाकी जो है मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने OT कक्ष में। यहाँ पर हमारे पैरा सर्जिकल और सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे जो एनोरेक्टल, काफ़ी एनोरेक्टल डिजीजेज हैं जैसे फिस्टुला इन एनो और हेमोराइड्स और फिसर के हम यहाँ पे ऑपरेट भी करते हैं। और पूरा ये हमारा जो आयुर्वेद में जो सर्जरी बताई है हमारे आचार्य सुश्रुत ने, उस विधि से हम करते हैं। और इसके अलावा हम कुछ एक पैरा सर्जिकल प्रोसीजर जैसे वेरिकोज वेन है और बर्जस डिजीज है या नॉन हीलिंग अल्सर हैं, उसमें हम लीच थेरेपी करते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि हम अपना कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये हमारा एक ये लीच थेरेपी सेक्शन है अलग, जहाँ पे हम यहाँ लीच रखते हैं।
ये एक्वेरियम है जिसमें लीच रखी जाती हैं, और ये हर एक पेशेंट के अलग अलग लीच हैं बाय नेम, जो उनको जितनी सिटिंग दी जाती हैं वो उनके लिए जो है ये लीच लगाई जाती हैं। और इसके अलावा ये हमारा चार सूत्र कैबिनेट है जिसमें हम जैसे भगंदर या फिर जो बवासीर उसमें जो चार सूत्र थेरेपी करते हैं उसका ये हमारा कैबिनेट है जिसमें हम थ्रेड्स प्रिपेयर करते हैं। हम ये खुद ही अपना प्रिपेयर करते हैं, हम यह कहीं से परचेज नहीं करते हैं, ये स्वयं बनाई जाती है। इसके अलावा ये जो हमारे एनोरेक्टल पेशेंट जो होते हैं आईपीडी में एडमिट होते हैं इनकी यहाँ पे ड्रेसिंग होती है, डेली ड्रेसिंग होती है, ये उनके लिए ड्रेसिंग टेबल है। और इसके अलावा ये हमारे माइनर ओटी और मेजर ओटी का है, ये हमारा वाशरूम स्क्रब रूम है, जैसे जो ऑपरेटिव प्रोसीजर कुछ किया जाता है तो उसके पहले जो हम स्क्रब होते हैं कैसे ग्लव्स पहनते हैं कैसे क्या है, जो जो इसका तरीका है जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे यहाँ पे दिखाए गए हैं कि हमें कैसे स्क्रब होना है। तो ये हमारा स्क्रब रूम हो गया। इसके अलावा ये जब जैसे हम ओटी करते हैं तो उसके लिए स्टरलाइजेशन रूम की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमारा ऑटोक्लेव सेक्शन, यहाँ पे ये ऑटोक्लेव है जिसमें हम स्टरलाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह और गाउन और जो भी मटेरियल है ड्रैप है वो सब स्टरलाइज किया जाता है। ये हमारा रिकवरी रूम है, जैसे पेशेंट ऑपरेट होता है तो कुछ देर के लिए हम यहाँ पे पोस्ट ऑप में रखते हैं, फिर उसके बाद हम शिफ्ट कर देते हैं, कुछ 2-3 घंटे के लिए यहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपको ले चलते हैं, ये माइनर प्रोसीजर वाला रूम है जिसमें माइनर ओटी, इसमें क्या है जैसे हम सिस्ट है कॉर्न है इन सब का ऑपरेट करते हैं, छोटी डिजीजे जैसे सिस्ट है कॉर्न है या फिर वार्ट है, इसमें अग्निकर्म भी करते हैं, इस ये हमारा माइनर ओटी है। इसके अलावा जो हम एनोरेक्टल प्रोसीजर करते हैं जैसे चार सूत्र कर्म तो वो हम इसमें करते हैं, हाइड्रोसील या चार सूत्र कर्म ये हमारी मेजर ओटी है, वो प्रोसीजर इसमें करते हैं। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया में या फिर स्पाइनल में भी करते हैं जिसके लिए हमारे बॉयल्स ऑपरेटर्स वगैरह सब है, ये दे रखी है एनेस्थीसिया मशीन, साथ में हमारे सक्शन रखे हैं, सक्शन मशीन, बाकी इलेक्ट्रिक कॉटरी, ये स्टरलाइज हमारा सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे जाते हैं, गाउन स्क्रब जो भी है ड्रैप सब इसमें रखे, ये दीज आर द फार्मेलिन चैम्बर्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट इसमें रखे जाते हैं फार्मेलिन चैम्बर्स में। साथ में ये हमारे कलीग हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, और ये भी हमारे कलीग हैं डॉक्टर कायनात अंसारी, ये हमारी शल्य डिपार्टमेंट की टीम है, पूरी की पूरी टीम काफ़ी मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से एनोरेक्टल डिजीजों के बारे में डिजीजों को ट्रीट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आईपीडी की सुविधाएँ हैं वो हमारे दो विंग हैं, एक बी ब्लॉक एक सी ब्लॉक और एक डी ब्लॉक, तीन विंग हैं जिसमें आईपीडी जो भी एडमिट किए जाते हैं पेशेंट उनको रखे जाते हैं, जिसमें जनरल वार्ड, पीडियाट्रिक्स वार्ड, शल्य वार्ड, प्रसूति ENT वार्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट के वार्ड हैं, और प्लस इनको जनरल वार्ड से लेकर डिलक्स सेमी डिलक्स रूम सारे तरह के रूम अवेलेबल हैं, जो भी पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट करवाता है वो यहाँ पे एडमिट होकर रह के 10-12 दिन पंचकर्मा का ट्रीटमेंट करवाता है और पूरे तरीके से उसका लाभ लेता है। हमारे पास अभी 180 बेड के हॉस्पिटल है और लगभग 10-15 दिन में ये प्लान है कि इसको 230 बेड का हम लोग प्लान कर रहे हैं, इसको 230 बेड तक इनक्रीज़ करना है, और उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 300 बेड का हॉस्पिटल, क्योंकि जनरली पेशेंट यहाँ बाहर से आते हैं उनको वेटिंग में रखना पड़ता है, और हमारे पास जो पेशेंट आईपीडी में नहीं रह पाते हैं वो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमारी संस्था का ही पतंजलि का ही वाल्मीकि आश्रम है
जहां हम लोग निःशुल्क रहने के लिए व्यवस्था करते हैं और वहां से आके यहां ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हम लोग ये प्रयास में हैं कि किसी भी मरीज को यहां से लौट के ना जाना पड़े और दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए हम लोग बेड को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा पैथोलॉजी विभाग है, जिसके डॉक्टर मनोज जी यहाँ के HOD हैं और हमारे पैथोलॉजी विभाग में सारे आधुनिक उपकरणों से जांच होती है। जितने भी हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यूरिन सैंपल, सारी चीज़ों की जांच, ट्यूमर मार्कर वगैरह भी है। मनोज जी आपको बताएंगे कौन कौन सी जांच हमारे रिलेटेड हम लोग करते हैं। ये हमारा ब्लड कलेक्शन रूम है, यहाँ पे हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। जितने भी हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी यूरिन सैंपल, यहाँ सारी सैंपलों को कलेक्ट करते हैं और इसके बाद हमारे अंदर प्रोसेस के लिए हमारे एडवांस मशीनें हैं। सामने जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर हैं, जिसमें हमारे पास XL640, XL600, XL300 एंड हेमेटोलॉजी एनालाइजर में हमारा सिस्मैक्स 2000 आई ब्लड गैस एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, मतलब इसमें डिफरेंट मॉडर्न जितने भी टेस्ट हैं वो सारे हम अपने ही लैब में प्रोसेस करते हैं। मतलब मैक्सिमम जितने भी तरह की जांचें होती है, ज़्यादातर फुल्ली ऑटोमेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग सारी जांचें करते हैं, और जिसके लिए हमें किसी भी पेशेंट को मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी की सारी जांचें यहाँ हो जाए। हमारे यहाँ मैक्सिमम जांचें हमारे यहाँ होती हैं, कुछ नॉमिनल जाँचें हैं जो बहुत कम आती हैं, बहुत रेयर आती हैं, वो हम लोग किसी दूसरे पैथोलॉजी लैब से टाई अप है उनके यहाँ भेजते हैं। ये हमारा ट्यूमर और कैंसर मार्कर हम डिफरेंट टाइप्स कैंसर, लाइक आपका ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, गॉल ब्लैडर, कोलोरेक्टल कैंसर एंड हार्मोन ऐसे, एंड विटामिन डी, B12 एंड थायराइड है, एंड LHF, सच प्रोलैक्टिन, मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी प्रोफाइल्स आर टेस्ट आर। मैक्सिमम हम लोग प्रयास करते हैं कि सारा का सारा टेस्ट बहुत अच्छे से बहुत, और सबसे बड़ी बात है कि हर रोज़ यहाँ पे कंट्रोल लगा के हम लोग एनालाइज करते हैं, अपने जो मशीन है उसको एनालाइज करके उसके बाद ही हम लोग डेली का डेली टेस्ट। ये हमारा फर्स्ट रिसेप्शन है, जहाँ पे पेशेंट प्रथम बार आता है तो उनको ये फॉर्म दिया जाता है जिसको फिलअप करके और जिसके द्वारा से हम लोग प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनाते हैं। ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, ये सभी पेशेंटों को गाइड करते हैं कि कहाँ जाना है और आपके लिए किस विंग में जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है। ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं जो कि पेशेंटों को सही से गाइड करते हैं कि कौन सा विंग कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिसर है, यहाँ एक विंग दूसरे विंग थोड़ी दूरी पे है। तो ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं जो कि गाइड करते हैं सारे पेशेंटों को कि आपको कहाँ जाना है और आपके लिए कौन से डॉक्टर उचित होंगे।